मेरठ की गुड़िया के साथ तकदीर ने बेहद कड़वा मजाक किया। शादी हुई और पति गायब हुआ, दूसरी शादी हुई तो पहला पति लौट आया और फिर कहानी गुड़िया की। लेकिन गुड़िया की यही कहानी अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। कहते हैं कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं गुड़िया, और देखना चाहते हैं कि वो कौन शख्स है जिसने तुम्हें हमसे छीना है। देखिए, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन हम आपके आंसू नहीं देख सकते। मैं अपनी बीवी को वापस लाना चाहता हूँ। लेकिन उनका कहना है कि पहले शौहर से तलाक लिए बिना दूसरा निकाह सिर्फ नाजायज ही नहीं, गैर कानूनी भी है। शरीयत के मुताबिक तुम्हें उसके शौहर हो। मौलवी साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? कानूनन तुम उसे अपने पास रख सकते हो, और तुम चाहो तो पंचायत में भी फैसला करवा सकते हो। उसका निकाह ही गलत है, वो अब भी हमारी बीवी है। जो हमारा अपना इंसान है, हमारा खुद का, उसके लिए बिरादरी फैसला करेगी कि वो यहाँ रहे या बाहर है। रह रहे कि बस एक ही ख्याल परेशान करता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। उसके पेट में हमारे घर का चिराग पल रहा है, ऐसे कैसे किसी और के पास हम उसे भेजें? मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं, तुम्हें हमेशा अपने साथ ले जाने के लिए, हमेशा। खुदाफिज़। गुड़िया तुझ पर एक पल हंसना एक पल रोना आए, वक्त बना वो बच्चा जिसके हाथ खिलौना आए, एक पल हंसना आए, एक पल रोना पल हंसना आए, एक पल रोना आए।